जय श्री राम। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार, अथॉर एकेडमी में सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में हम पढ़ेंगे सदिश राशि और अदिश राशि। कई बार क्वेश्चन आता है कि फोर्स कौन सी यूनिट होती है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ठीक, तो हम पहले सदिश और अदिश को समझते हैं और फिर ट्रिक के साथ में आपको बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा कौन सी राशि सदिश और कौन सी अदिश है। देखिए, सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, वह क्वांटिटी वह राशि जिसमें डायरेक्शन हो और क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। डायरेक्शन के साथ अगर मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब दिशा के साथ अगर परिणाम है, परिमाण है, तो उसे वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहते हैं। सदिश में देखिए सा और दिशा है, मतलब जो दिशा के साथ है तो उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि। जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए हम सदिश राशि पढ़ रहे थे। अब सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी का जो एग्जांपल है फोर्स है। फोर्स मतलब बल। बल क्या है, एक सदिश राशि। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए ये कोई कार है, इस कार पे एक न्यूटन का क्या लगा, फोर्स लगा। ये कोई कार है और इसमें क्या लगा, एक न्यूटन का फोर्स लगा। तो ये अपने जगह से क्या होगी, हटेगी। मतलब इसमें क्या है, परिमाण भी है, अपनी जगह से हट गई तो क्या हो गया, इसमें परिमाण हो गया। साथ में फोर्स इधर से लगा तो कार केवल इसी डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो यही का मतलब, इसी का मतलब है कि जो बल है क्या होता है, सदिश राशि होती है। जिसमें डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस हो और साथ में परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड का भी इंपॉर्टेंस हो, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहते हैं। जैसे इस कार में इधर से फोर्स लगा तो कार अपनी जगह से हट गई, मतलब इसमें परिमाण है और साथ में केवल इसी डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। जब इधर से फोर्स लगेगा तो ये इधर ही जाएगी, मतलब इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, इधर नहीं जाएगी। तो ये क्या है, सदिश राशि है। अगर हम अदिश राशि की बात करें, देखिए अदिश राशि में डायरेक्शन नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड बस होता है, परिमाण बस होता है, डायरेक्शन का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। जैसे आप देखो अदिश राशि सदिश, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी का जो एग्जांपल है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर वह भौतिक कारक है जो हीट की डायरेक्शन बताता है कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होगा कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो होगा। तो कुल मिला के आप केवल इतना समझ लो कि टेम्परेचर क्या करता है, हीट की डायरेक्शन बताता है, ऊष्मा की दिशा बताता है। ठीक, तो टेम्परेचर एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का कोई महत्व तो नहीं होता, केवल इसमें मैग्नीट्यूड परिमाण होता है। जैसे ये एक थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में देखिए हमारा जो कांटा है नीचे भी बताता है और ऊपर भी बताएगा। तो देखिए टेम्परेचर नीचे भी बताएगा, जैसे 10 20 30 40 और 40 का अगर ऊपर टेम्परेचर होगा तो ऊपर भी बताएगा। इसका मतलब जो हमारी सुई है टेम्परेचर बताने वाली थर्मोमीटर में, वो नीचे भी बताएगी, इस डायरेक्शन में भी बताएगी और इस डायरेक्शन में बताएगी। मतलब इसमें जो डायरेक्शन है फिक्स नहीं है कि या तो केवल डाउनवर्ड या तो केवल अपवर्ड, दोनों डायरेक्शन में टेम्परेचर को बताएगा थर्मोमीटर। इसलिए टेम्परेचर क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इधर भी टेम्परेचर बताएगा और इधर भी टेम्परेचर बताएगा। देखिए सदिश राशि और अदिश राशि तो आप समझ गए, लेकिन कौन सी सदिश और कौन सी अदिश है, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप इसको याद रखोगे तो इनके अलावा जितने भी बचे वो सब क्या होंगे, सदिश राशि होंगे। ठीक, आपको मैं केवल स्केलर क्वांटिटी जितने हैं, अदिश राशि जितने हैं मैं पूरा बता दे रहा हूं ट्रिक के साथ, उसके अलावा जितने भी बचे वो सब क्या कहलाएंगे, सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। देखिए आपको याद रखना है ट्रिक स्केलर क्वांटिटी की, अदिश राशि की, द्रव्यता विसर्जा आपदा उदु, द्रव्यता विसर्जा आपदा उदु, दो चार बार पढ़ लो तो याद हो जाएगा। तो द्रास हो गया द्रव्यमान मास, घास हो गया घनत्व डेंसिटी, बड़ा ता से तापमान टेम्परेचर, वी से हो गया विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, सा से हो गया समय टाइम, चा से हो गया चार्ज स्पीड, आ से होगा आयतन मतलब वॉल्यूम, ता से होगा काम मतलब वर्क,
दा से हो गया दा मतलब प्रेशर, उससे हो गया ऊर्जा मतलब एनर्जी, और दूर से हो गया दूरी मतलब डिस्टेंस। ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ये सब अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इनके अलावा जो भी बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, सदिश राशि। जैसे फोर्स हो गया सदिश राशि, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, इसी तरह से जितना भी कुछ बचेगा वो सब किसमें आ जाएगा, सदिश राशि में आ जाएगा। अगर आप इतना याद कर लोगे द्रव्यता विशेषता आगला हो तो इनको छोड़ करके फिर जितना भी आएगा वो सब क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। दोस्तों इस तरह से सदिश राशि अदिश राशि कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया हो फिजिक्स तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी है उन्हें बताइए इसके बारे में, जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। जय वंदे मातरम।